हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज का प्लानिंग है हमारा, हम लोग जा रहे हैं तारापीठ, कोलकाता टू तारापीठ बाई ट्रेन जाएंगे सियालदह से। तो अभी हम लोग का निकलने का टाइम हो गया है, बस उबेर आ ही रहा है, आते ही हम लोग फिर अभी निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे ऑन द वे। गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, सियालदह स्टेशन आ गए। गाइज ये हाल है, अभी वेदर भी बहुत मस्त है, बारिश होने वाला है। क्या भीड़ है स्टेशन में, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से ट्रेन का टाइमिंग है 7:20, तो अप्रॉक्स वही कि 3.5 से 4 घंटा लगेगा हम लोगों को पहुँचने में। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और आज का वेदर भी बहुत मस्त है। आज बारिश हो ही गई, कैसे भी बारिश होना ही है, काफ़ी गर्मी है तो बारिश हो गई। बहुत ही अच्छा वेदर है आज का, एकदम सही टाइम में निकले हैं हम लोग। गाइज वेदर बहुत अच्छा है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है। बारिश होने वाला है, दबा के बारिश होगा आज। तो ये जर्नी रहेगा बाई ट्रेन, चलिए मिलते हैं। जैसे कि बता दो आप लोगों को कि ट्रेन ऑन टाइम थी सियालदह से 7:20 में, सुबह के मॉर्निंग की ट्रेन थी 7:20 में, तो सही टाइम में थी ट्रेन। ट्रेन अपने टाइम में चल रही है। आप लोगों को बता दो, ये देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही मस्त है, बगल से एक ट्रेन जाते हुए, क्या ही कहें इसके बारे में, मज़ा आता है। ट्रेन में ट्रैवल बहुत ही मज़ा होता है, अलग तरीके का मज़ा आता है ट्रेन में। जो लोग ट्रेन ट्रैवल करते हैं उनको पता है ये। तो गाइज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। खाते पीते जाना चाहिए, टाइम पास होगा, वरना टाइम नहीं कटेगा, तो इसके लिए कुछ भी चलेगा, खाते पीते चलते रहो, क्योंकि ज़्यादा टाइम पर जर्नी नहीं है, 3 से 4 घंटे का जर्नी है, तो यूँ ही चल जाएगा। अभी बारिश थोड़ा सा कम हो गया है। बारिश हुआ है तो आज का वेदर भी अच्छा ही। अभी शक्तिगढ़ आ गया है, यहाँ का फेमस होता है लैंचा, शक्तिगढ़ आ चुका है। तो शक्तिगढ़ में अभी 2 मिनट जस्ट रुकेगा ट्रेन। ठीक
स्टेशन पहुंच गए हम लोग। हरिद्वार में 2 मिनट रुकेगा फिर ट्रेन, हरिद्वार आ गए। ये हरिद्वार आए, खाना सब आ गया है यहाँ पे, चाय खाना सब आ चुका है, चाय खाना सब कुछ आ गया यहाँ पे। पीछे गाइस टाइम पास कर रहा हूँ वहाँ, टाइम पास के लिए चिप्स खाओ, गणेश चिप्स खाओ, चनाचूर गणेश चनाचूर चिप्स खाओ। टाइम पास के लिए टाइम तो पास करना ही पड़ेगा, कुछ भी दे दिए कुछ तो करना ही होगा। जब तक टाइम है पहुंचने का, अभी टाइम है तो वो दे रहे हैं अभी, तब तक के लिए थोड़ा टाइम पास हो जाए आलू चिप्स के साथ। जय तारा देखिए देखिए एक बार তারা মা ট্রেনে চলে এসছে, সবাইকে দর্শন দিয়ে দিল। দেখি এদিকে তারা মা ট্রেনে চলে এসছে, সবাইকে দর্শন দিয়ে দিল। জয় তারা গাইস, অটো মে ব্যাট গে হ্যাঁ, तारापीठ रोड से ऑटो, यहाँ से आपका तारापीठ डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, और अगर आप रामपुर हाट जाते हैं तो वहाँ से अराउंड अप्रॉक्स से आपका 12 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उतर गए। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे, मिलते हैं आपसे फिर वहीं पर। गाइज हम लोग आ गए हैं तारापीठ रोड, तो यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है मंदिर, तो इसलिए हम लोग यहीं पर उतर गए हैं। वैसे तो रामपुर हाट स्टेशन है, वहाँ से जा सकते हैं आप, वो थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं पे हम लोग उतर जाते हैं। तो हम लोग यहीं पे उतरे हैं, राम तारापीठ रोड उतरे हैं, तो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कम है। यहाँ से तारापीठ रोड से ऑटो खड़ा आपका 40 रुपीज़ करके है, तो तारापीठ मंदिर तक आपको ले जाएगा। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो 30 रुपीज़ करके लगेगा। गाइस हम लोग होटल में आ गए हैं, होटल का नाम है महाप्रभु, जो कि जब आप इंटर कर रहे हैं तारापीठ के अंदर तो वो गली के ठीक एकदम सामने ही है होटल, मेन गेट में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में। बहुत ही अच्छा होटल है और इनका होटल का रेट भी बहुत कम है, मतलब चीप एंड बेस्ट में है। एसी जो है वो भी आपको बहुत कम में मिल जाएगा और नॉन एसी भी बहुत कम में मिल जाएगा। और ये रहा आपका होटल, ये आपको दिखाते हैं, चलते हैं इनसाइड। ये रूम है, ये रूम है और ये बाथरूम है। वेलकम बैक अगेन गाइज, अभी टाइम हो गया है लंच करने का, तो अभी हम लोग सब फ्रेश हो गए हैं, तो अभी लंच करने जाएंगे। लंच वंच खाना वाना खा ओके, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर शाम में निकलेंगे तारा माँ के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग से, फिर आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं तारा माँ का। मिलते हैं गाइस, कीप वॉचिंग, बने रहिएगा गाइस। अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में, ये मंदिर है आपका जगन्नाथ, ये तारापीठ से अराउंड 11 किलोमीटर है दूर है थोड़ा डिस्टेंस, तो आपको तारापीठ मंदिर से टोटो मिल जाएगा, अराउंड 30 to 40 रुपीज़ लेगा सिर्फ आने का, जाने आने का आपका अराउंड वही 70 to 80 रुपीज़ लेगा। और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के पास बाके बिहारी का भी मंदिर है, तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, हम लोग आइए।
इनसाइड मंदिर के इनसाइड कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर वीडियो करने मना किया गया है, तो इसलिए इनसाइड का वीडियो नहीं हो पाया। ये है बांके बिहारी जी के मंदिर, अभी यहाँ आए हम लोग। हम लोग निताईवाड़ी आए हैं, तो निताईवाड़ी यहाँ पे इनसाइड फोन यूज़ नहीं होता है। बेसिकली बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे मतलब फ़ोन यूज़ नहीं किया जा सकता है, इनसाइड अच्छा ही है, फ़ोन नहीं यूज़ होगा। तो ये बाहर का ही सीन देख सकते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग इस्कॉन। हम लोग इस्कॉन आ चुके हैं, तारापीठ इस्कॉन, अभी चलते हैं। गाइज ये इस्कॉन टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बुक स्टॉल है और वहाँ पे प्रसाद का काउंटर है। अभी हम लोग आए हैं डिनर में, ऑलमोस्ट सब साइट सीन कम्प्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट सब साइट सीन कम्प्लीट हो गया है। तो अभी डिनर का टाइम है, डिनर करते हैं फिर कल चलेंगे मंदिर में एक बार फिर दर्शन करने के लिए। Hey, what's up guys? Good morning. अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आज रथ यात्रा भी है, वैसे बहुत ही अच्छा दिन है और भीड़ भी होगा वैसे ही। तो चलते हैं आज तारा माँ के दर्शन करने के लिए। और कल जैसे शाम के वक्त जब बाहर निकले थे, गए थे साइट विजिट के लिए, इस्कॉन वगैरह गए थे, तो फिर और मिताई बाड़ी है, ये सब जगह गए थे। जितने भी यहाँ पे नियर अबाउट जो भी मंदिर है साइट सीन में, तो वो सब कल हम लोग कवर कर लिए थे इवनिंग में। वो सब पूरा कम्प्लीट हो चुका है। कई कई जगह में मतलब फ़ोन अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं कर सका हूँ। तो आज अभी चलते हैं मंदिर। वेल गाइज अभी आ गए हम लोग मंदिर के अंदर, अभी पूजा देने जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत कैटरेरिया है, मतलब आप पूजा का अमाउंट वगैरह वो लोग पंडा का सब रहता है अंदर में, 500-300 अराउंड ऐसे आप पूजा दे सकते हैं। तो स्पेशल लाइन रहता है, VIP लाइन रहता है, ये सब है, बहुत है यहाँ पे, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है। तो नॉर्मली बेसिकली लोग जनरल में भी जाते हैं, जिनको ज़्यादा जल्दी रहता है तो वो VIP में जाते हैं। तो ये रहा कुछ ऐसा, ये लाइन लगा हुआ है, ये VIP का है। और उस साइड है जो बैक साइड में, उस तरफ है आपका जनरल लाइन, ये पूरा भीड़ है। तो चलते हैं अभी। गाइज जैसे कि देख सकते हैं आज रथ पूजा है, तो ये यहाँ पे रथ सज रहा है। मॉर्निंग के टाइम है तो अभी बारिश भी हुआ है, वैसे रथ के दिन बारिश होता है, रथ पूजा के टाइम बारिश होता है, तो वैसे बारिश भी हुआ है। तो अच्छा है आज का दिन। गाइज पूजा हो चुका है मंदिर में और बहुत ही भीड़ था अंदर, बहुत ही अच्छा से दर्शन हुआ है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तारा माँ का, बहुत ही अच्छा से दर्शन हो चुका है, पूजा हो गया है, मैंने पूजा कर लिया है। तो ये रहा क्राउड है पूरा, ये भीड़ है, ये पूरा क्राउड है, देख सकते हैं आप लोग, ये VIP का है। तो
कुछ इंसिडेंट हो गया था यहाँ पे एंट्री करने के वक्त में, वीआईपी गेट पे वो लोग 1000 रुपीज मांग रहे थे, कोई कह रहा है कि 500 है, कोई कह रहा है 300 है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब ये लोग कह रहे थे कि अमाउंट को लेके, तो इनका यहाँ का मतलब कुछ अलग ही नियम है। मतलब आप अगर आ रहे हैं आप जनरल से भी आ सकते हैं या तो आप वीआईपी से आ सकते हैं। वीआईपी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई बोलेगा 1000 रुपीज़, कोई बोलेगा 1500, कोई ऐसा वो लोग चार्ज करते हैं पैसा, तो यहाँ पे ऐसा टाइप का नियम है, तो ये बहुत गंदा नियम है। तो मैं यहाँ के अथॉरिटी और यहाँ के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसा नहीं करने के लिए। ये तालाब का नाम है जीवित कुंडो, ये आपको देखने को मिलेगा, आप जब इंटर करेंगे तभी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये नीचे की तरफ है, मैं अभी ऊपर के साइड हूँ, मतलब जहाँ पे स्टॉल वगैरह है, ये स्टॉल है, ये पूरा स्टॉल है, स्टॉल है ये, अभी वेट कर रहे हैं भोग का। भोग आ चुका है तारा का, अराउंड 1:15 हो गया है, और वैसे तो आज रथ यात्रा है, बहुत ही भीड़ होता है यहाँ पे भी, और यहाँ से 11 किलोमीटर अराउंड इस्कॉन भी है, कल हम लोग इस्कॉन हो के आए हैं। आज प्लान था जाने का इस्कॉन, बट हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे 1 से 1.5 बजे के बीच में भोग मिलने का टाइम था, तो इस वजह से इस्कॉन नहीं जा पाया। देखते हैं अगर शाम को टाइम होगा तो माइट भी जा सकते हैं। तो गाइज आप लोग भी आइए यहाँ पे तारापीठ, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं या गाड़ी से भी आ सकते हैं, या तो आप सियालदह से अगर आप आते कोलकाता से तो आप कोलकाता स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। हल्दीबाड़ी है जो कोलकाता टू रामपुर घाट आता है, वो वीक में एक बारी वो ट्रेन है, पर वो बहुत अच्छा ट्रेन है, बहुत ऑन टाइम रहता है। जैसे हम लोग आए हैं सियालदह से रामपुर घाट का ट्रेन था, बट हम लोग तारापीठ रोड उतरे थे, तारापीठ रोड स्टेशन, वहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर है, बहुत ही नज़दीक है। अगर आप रामपुर घाट उतरते हैं तो वो आपका थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, 11 से 12 किलोमीटर है रामपुर घाट टू तारापीठ। मटका चाय मस्ट ट्राई करिए, मटका चाय का टेस्ट गजब का टेस्ट, आखिरी टाइप का टेस्ट, बहुत ही लाजवाब टेस्ट, मटका का फ्लेवर मिलेगा आपको। अगर आप तारापीठ आए हो या आओगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा मटका चाय, ओनली 10 रुपये में। यात्रा का पूरा क्राउड है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तारापीठ वाले आप एंट्रेंस वाला जो गली है ये वही गली है, और ये गली के ठीक अंदर यहाँ से रथ निकल रहा है जगन्नाथ जी का, ये रहा रथ आ रहा है मेरे ठीक बैक साइड में। गाइस ये रथ पूजा के लिए इतना भीड़ है, आज रथ यात्रा है तो रथ यात्रा का क्राउड है ये पूरा, और ये ठीक मंदिर वाले गली में ही हो रहा है।